हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेपिंग सक्सेस एंड यू आर लिसनिंग टू गजल रोहिला। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जो कि आज सीटेट का एग्जाम हुआ था, दोनों ही लेवल का एग्जाम हुआ है। इस वीडियो में हम लेवल टू के यानी कि जो टीजीटी लेवल का एग्जाम है उसकी बात करेंगे। उसका जो फर्स्ट पार्ट है साइकोलॉजी का, उसकी बात करेंगे 30 क्वेश्चंस की। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का पार्ट है, तो डिस्कस भी करेंगे और साथ साथ इसके आंसर भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है बच्चे में डेवलपमेंट होती है, उसको कैसे समझा जाए? तो इस चीज़ के लिए क्या सिर्फ एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को देखना ज़रूरी है, या फिर जो इनहेरिटेड फैक्टर्स हैं उनको देखना ज़रूरी है, या ही दोनों ही चीज़ों को? तो ये हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मतलब पढ़ते हैं कि दोनों को, मतलब दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नेचर की भी और नर्चर की भी। तो ये शो कर रहा है क्लियरली ऑप्शन नंबर 3 में, जो कि ये है, टू अंडरस्टैंड बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो दोनों ही चीज़ों को कवर कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल का डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? ठीक है, तो मेन चीज़ है यहाँ पे नहीं बताना है हमें। तो डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, तो ये ठीक है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये भी सही बात है। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब बच्चा जिस टाइम पर पैदा होता है, उसी टाइम हम उसके डेवलपमेंट का नेचर और एग्जैक्ट कोर्स उसका हम बता सकते हैं कि कितनी डेवलपमेंट इस बच्चे की होने वाली है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये गलत बात है। ये ठीक होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट पूछा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेवरल रिसर्च स्टडीज शो दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज देन गर्ल्स, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? ठीक है, तो रिसर्चेज जो हैं ये शो करती हैं कि जो टीचर हैं वो बॉयज़ से ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, बॉयज़ से ज़्यादा बात करते हैं बजाय कि गर्ल्स के। तो ये चीज़ अगर है तो ये क्लियरली शो करेगी जेंडर बायस को। ठीक है, तो ये तो चीज़ नहीं है कि बॉयज़ नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स, तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी, ये गलत हो जाएगा। आगे, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग, बिल्कुल ये जेंडर बायस शो करेगा अगर वो बॉयज़ से ज़्यादा बातें कर रही हैं तो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो है कॉन्सेप्ट है, उसका जो है मतलब मेन क्या चीज़ है? तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है उसमें प्रगतिशील जो हमारी शिक्षा है उसकी अवधारणा पूछी गई है। तो बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। तो प्रोग्रेस जब एजुकेशन हमारा तभी कर पाएगा जब हम हर बच्चे की मतलब काबिलियत को, उनकी कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल को देखकर हम आगे बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन सभी के लिए नहीं हो सकती, इंडिविजुअल डिफरेंस की हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो हम नहीं देखते हैं, और यूनिफॉर्म असेसमेंट पैटर्न्स की सभी को एक मतलब एक ही लाइन में हम उनको खड़ा कर दें हर तरह के बच्चों को, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, जैसे कि बोला जाता है कि एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए और मतलब अलग चीज़ें, तो यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट बुक सेंट्रिक जो है वो लर्निंग नहीं होगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशन शुड अ टीचर मेक वाइल वर्किंग विद स्टूडेंट्स हु आर विजुअली चैलेंज्ड। जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं तो उनके लिए किस तरह की जो है इंस्ट्रक्शन किस तरह की, किस बेसिस पे उनको किस तरह की इंस्ट्रक्शन उनको दी जानी चाहिए, तो एक टीचर को किस तरह की इंस्ट्रक्शन चूज करनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर है, यूज़ अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन। तो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं तो विजुअल प्रेजेंटेशन उनको कैसे हेल्पफुल रहेगी, तो ये नहीं हो सकता। ओरिएंट हिम हर सेल्फ सो दैट द स्टूडेंट कैन वॉच हर क्लोजली। अगेन वही बात आ रही है कि विजुअली चैलेंज बच्चे हैं तो वॉच भी पॉसिबल नहीं होगा। फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ रिटर्न टास्क रिटर्न के लिए भी उन मतलब विजुअली चैलेंज बच्चे हैं। क्वेश्चन ऑप्शन 4 है, स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल। तो टीचर को ये चाहिए कि अच्छी क्लियर आवाज़ में बोले ताकि वो बच्चों को समझ आए, और ऐसी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करें जिनको वो टच कर सके और फील कर सके। ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग डैश इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटोरिंग में आता है कि जो बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखते हैं
वो बात क्या डिस्करेज की जानी चाहिए? शुड बी एक्टिवली डिस्करेज नहीं, ओकेजनली यूज ये हो सकता है, बट इससे भी अप्रोप्रिएट हमारे पास ऑप्शन है जो कि है ऑप्शन नंबर 4, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड। ये चीज़ें हमें प्रमोट करनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम? एक इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है? तो जब इंक्लूसिव क्लासरूम है मतलब हर तरह के बच्चे, समावेशी शिक्षा है तो हर तरह के बच्चे वहाँ पर आए हैं, तो स्टैंडर्डाइज तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि हर तरह के बच्चे हैं। एक स्टैंडर्ड अगर प्रोवाइड कर दिया गया तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाए। तो कॉम्पिटेटिव लर्निंग भी नहीं होनी चाहिए, कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। और जो थर्ड ऑप्शन है कि इंडिविजुअलाइज जो है एजुकेशन प्लान होना चाहिए, मतलब हर बच्चे की जो नीड है उसको केटर करता हुआ हम कुछ ऐसा प्लान करें कि वो इंडिविजुअलाइज्ड हो। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स? तो जो लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, तो डिसलेक्सिया जो है, डिसलेक्सिक लर्नर्स जो हैं उनको प्रॉब्लम आती है रीडिंग राइटिंग में, उनकी फ्लुएंसी में, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। आगे क्रिएटिव लर्नर्स की बात की हुई है, तो क्रिएटिव तो मतलब जो अपने माइंड से क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग चीज़ें मतलब डाइवर्स जो उनकी थिंकिंग हो, सोच सकें, तो वो स्लो नहीं हो सकते, स्लो इन कम्प्लीटिंग वर्क, ये प्रॉब्लम। फिर है आगे अटेंशन डेफिसिट लर्नर्स, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन वही ठीक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अभी जैसे मैं बात कर रही थी क्रिएटिव चिल्ड्रन की, तो इनके जो है सॉल्यूशन वो डाइवर्जेंट होते हैं, इनकी थिंकिंग जो है डाइवर्जेंट होती है, एक क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशंस ये सोचते हैं, तो उस तरह से ये क्रिएटिव चिल्ड्रन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद अ कंस्ट्रक्टिव एनवायरमेंट? नॉट की बात की गई है यहाँ पे कि कौन सा कंस्ट्रक्टिव एनवायरमेंट के साथ अनुकूल नहीं है, ठीक है, तो देखते हैं कंस्ट्रक्टिव एनवायरमेंट के साथ नहीं है की बात की जा रही है यहाँ पे। स्टूडेंट वर्क कोलेबोरेटिवली एंड आर गिवन सपोर्ट टू एंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग विद ईच टीचर ईच अदर, तो ये नहीं हो सकता यहाँ पे ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, टीचर्स एलिसिट स्टूडेंट्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस इन रिलेशनशिप टू कीप टॉपिक्स एंड प्लान टीचिंग लर्निंग टू एलोबोरेट और रीस्ट्रक्चर देयर करंट नॉलेज। थर्ड है, टीचर्स एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड टू ऑफ द टर्म असेसमेंट स्ट्रेटजीज एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट्स रेदर देन प्रोसेस। तो यहाँ पे ये जो है नेगेटिविटी शो कर रहा है यहाँ पे कि टीचर को जो है सिर्फ प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान दे ना कि प्रोसेसेस के ऊपर, जबकि टीचर को प्रोसेस पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे ये सिर्फ स्पेसिफिक हो गए हैं किसके लिए, एंड टर्म असेसमेंट के लिए, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है 3 आंसर हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट डैश रेदर देन डैश, तो क्या चीज़ एनकरेज करनी चाहिए बजाय के दूसरे के? तो हमारा ऑप्शंस हैं परफॉर्मेंस गोल रेदर देन लर्निंग गोल्स, तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा कि सिर्फ परफॉर्मेंस को देखें, लर्निंग ही तो हमारी मेन चीज़ है कि हम लर्निंग मतलब बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, मार्क्स सीकिंग कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मार्क्स को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, मार्क्स सीकिंग गोल्स है इसमें भी। तो ऑप्शन नंबर 4 में है कि लर्निंग गोल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए बजाय कि परफॉर्मेंस गोल्स के, ठीक है, तो ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग? डज नॉट रिजल्ट, क्या चीज़ जो है हमें एक मीनिंगफुल फैसिलिटेशन हमें प्रोवाइड नहीं करेगी लर्निंग के लिए? तो प्रोमोटिंग रिपीटिशन एंड रिकॉल, बार बार उसी चीज़ को दोहराया जा रहा है, रटा मरवाया जा रहा है, तो ये चीज़ तो कोई मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हुई। एक चीज़ है वो बच्चे को दे दी, वो बार बार बोल के उसको याद कर रहा है, तो कहाँ मीनिंग हुआ? ऐसे ही आगे देखते हैं, यूज़ ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो अच्छे मीनिंगफुल लर्निंग हो रही है। एनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग, ये भी अच्छी बात है। कनेक्टिंग न्यू नॉलेज प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को कनेक्ट करके पढ़ाया जा रहा है, तो ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो गया ए, प्रोमोटिंग रिपीटिशन एंड रिकॉल, तो ये हमारा आंसर हो गया जो कि मीनिंगफुल लर्निंग प्रोवाइड नहीं करता।
आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहर से जो मोटिवेशन हमें आता है उसका एग्जाम्पल क्या चीज है, कौन सा? तो दो तरह के होते हैं हमारे मोटिवेशन, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो होता है वो हमारे अंदर से मोटिवेशन जो आता है, एक्सट्रिंसिक मतलब जो बाहर से मोटिवेशन हमें आता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देखते हैं अब, फर्स्ट है, आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माय होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क करता हूँ उससे मैं बहुत अच्छे से सीखती हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेल्फ मोटिवेटेड है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। डूइंग होमवर्क मेक्स मी, वो खुद की बात कर रहा है कि मैं जब मैं होमवर्क करता हूँ तो मेरे अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। बट ऑप्शन नंबर 3 में इन्होंने बोला है कि आई कंप्लीट माय होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। यहाँ पे वो होमवर्क कंप्लीट कर रहा है क्योंकि उसको बाहर से मोटिवेशन मिल रहा है मार्क्स के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, एक प्राइमरी क्लासरूम में टीचर को चाहिए कि गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल, सिर्फ नॉन एग्जाम्पल वो प्रोवाइड करे या फिर सिर्फ जो है एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करे या दोनों में से कोई नहीं प्रोवाइड करे या दोनों, बिल्कुल दोनों हमें प्रोवाइड करने चाहिए एज अ टीचर, गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन, तो क्या चीज़ है जो बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो यहाँ पर देखते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग प्यूनेटिव मेजर्स, इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, कौन सा है एग्जाम्पल? तो सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स, ये भी है लर्निंग स्ट्रेटजीज इफेक्टिव होने का। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड कॉन्सेप्ट मैप, कॉन्सेप्ट मैप बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करते हैं। थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, बिल्कुल प्रियर लर्निंग भी होनी चाहिए एंड सेल्फ क्वेश्चनिंग, बिल्कुल। तो सारी ही चीज़ें बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जिसमें सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 इज, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, तो कंस्ट्रक्टिविज्म जहाँ पे हम संरचनात्मक की बात करते हैं तो वहाँ पे एक बच्चे को कैसे देखा जाता है? टेबुला रासा माने कि जो एक ब्लैंक स्लेट, कि बच्चे का माइंड जब वो जन्म लेता है एक खाली बर्तन की तरह होता है और एनवायरनमेंट से या दूसरे ही उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता कंस्ट्रक्टिविज्म में। आगे देखते हैं, तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा हमारा। अ पैसिव बीइंग हु कैन बी शेप्ड एंड मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म थ्रू कंडीशनिंग, तो पैसिव वही बात हो गई कि हाँ पैसिवली वो सब कुछ गेन करता जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 है, अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, बिल्कुल जैसा कि पियाजे और वाइगोत्स्की बोलते हैं, पियाजे मेनली बोलते हैं कि बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट होता है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट की ही जो है थ्योरी है उनकी। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 18th क्वेश्चन है, अ टीचर्स रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास, टीचर का क्या रोल होता है जब वो कोऑपरेटिव लर्निंग कराती है क्लासरूम में? तो फर्स्ट ऑप्शन है, इज टू लीव द क्लास एंड लेट चिल्ड्रन वर्क ऑन देयर ओन, कि क्लास को छोड़ के चले जाएं और बच्चे जो कर रहे हैं उनको करने दें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब बच्चे कोऑपरेटिवली कर रहे हों, एक कोऑपरेशन के साथ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं एक दूसरे से, तो टीचर को चाहिए कि वो उनको सपोर्ट करे और उनके हर काम को मॉनिटर करे, उनको देखे। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शन, बच्चों की जो गलतियां होती हैं और जो उनके भ्रम होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, जो उनके मिसकंसेप्शन होते हैं वो क्या, मतलब कैसे, क्या बैरियर हैं वो, या फिर एक हेल्प करते हैं, या फिर क्या मतलब लर्निंग प्रोसेस में किस तरह से वो रोल प्ले करते हैं? फर्स्ट है, आर द हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टेकल टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जी नहीं, ऑब्स्टेकल नहीं होते वो, बच्चों की गलतियां बच्चे को ये शो करती हैं कि बच्चे ने जो गलती की है तो उसको डायग्नोस करने में हेल्प करती हैं, वो हेल्प करती हैं ये शो करने में कि उस बच्चे ने सीखा कैसे, क्या पता कुछ उसने सीखने के मेथड में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई हो जिसकी वजह से उसकी गलतियाँ हो रही हैं, तो हमें डायग्नोस करना ईजी हो जाएगा और उसकी रेमेडी भी प्रोवाइड करना ईजी हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एक स्टेप है वो हम, जिससे हम देख सकें कि बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है वो किस तरह से हुई है और हम उसमें हेल्प कर सकें। तो फर्स्ट तो नहीं होगा, ऑब्स्टेकल नहीं है,
सेकेंड है शुड बी इग्नोर्ड, इग्नोर नहीं की जानी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया. तो साइंटिफिक ये सिग्निफाई दैट चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज आर फार इंफीरियर दैन द अडल्ट्स, नहीं जी बिल्कुल भी ये नहीं होगा. लास्ट है आर द सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20. अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, तो पियाजे जो हैं उनके अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्कीमास. आपने अगर पियाजे की थ्योरी पढ़ी है तो बहुत ही मेन वर्ड टर्म है इनकी, जो स्कीमा है इन्होंने दिया हुआ है. आगे देखते हैं विद एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन सजेशंस द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट विच शी कुड हैव रीच्ड अलोन. विच कंस्ट्रक्ट डज द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट, तो ये बिल्कुल ये हमारे वाइगोत्स्की जी ने कहा है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है एक इस तरह का जोन जहाँ बच्चा एक काम को मतलब खुद से नहीं कर सकता बट वो किसी की हेल्प लेकर उस काम को कर सकता है. तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि कुछ क्वेश्चन या कुछ सजेशन बच्चे को प्रोवाइड किया जाए तो वो उस पॉइंट तक पहुँच सकता है, उस काम को कर सकता है. तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा हमारा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो हमारे वाइगोत्स्की ने दिया है. आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू लैब वाइगोत्स्की, ये पिछला क्वेश्चन भी वाइगोत्स्की से ही रिलेटेड था तो ये भी क्वेश्चन वाइगोत्स्की से रिलेटेड है. तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी इन्होंने दी थी, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछते हैं. अकॉर्डिंग टू लैब वाइगोत्स्की बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म इंटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस प्राइमरीली थ्रू, तो फर्स्ट ही ऑप्शन है सोशल इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर इन्होंने बात ही की थी सोशल इंस्ट्रक्शन की. तो आगे चलते हैं 23 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली, तो कौन सा है जो डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में रिलेशनशिप शो कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल दोनों इंटररिलेटेड हैं. देखिए कौन सा ऑप्शन कह रहा है ये बात, लर्निंग टेक्स प्लेस इररेस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, ऐसा नहीं हो सकता कि डेवलपमेंट बिल्कुल भी ना हो लर्निंग हो जाए. रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट, ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों की रेट बिल्कुल ही अलग हो. थर्ड ऑप्शन है कि दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है थर्ड. तो थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया हमारा 23 का. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24. वन ऑफ द मेजर अकम्पलिशमेंट्स ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो पियाजी ने 4 स्टेजेस हमें दी हुई हैं, तो उसकी थर्ड स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पर जो कंजर्वेशन है, जो भी हमारी जो प्री कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज में आए नहीं होते हैं वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं. तो ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है हमारा कन्वर्जेशन का, तो कन्वर्जेशन की एबिलिटी आ जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25. कंस्ट्रक्टिविज्म सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की व्यू लर्निंग एज, जो दोनों ही हैं हमारे दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की, वो लर्निंग को किस तरह से देखते हैं. कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, नहीं कंडीशनिंग नहीं होती है इनके अकॉर्डिंग, बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, खुद से मीनिंग बनाता है. तो सेकेंड है पैसिव, नहीं पैसिव नहीं होता, एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है. थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, तो बिल्कुल यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा हमारा. आगे देखते हैं 26. सेलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट पोर्ट्रे बोथ मेन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू. नॉन ट्रेडिशनल से मतलब ये है कि जिस तरह से माइंड में रोल सेट कर दिए जाते हैं कि खाना अगर बना रही हैं तो मम्मी ही बनाती दिखाई जा रही हैं, या फिर कोई वुमेन खाना बनाते हुए दिखाई दे रही हैं, या फिर कोई बाहर का काम है या फिर बाहर से रिलेटेड कोई काम है तो वो कोई मैन किया जा रहा है, या फिर ड्राइविंग वगैरह का काम है तो वो कोई मेल को शो करें. तो उस तरह के रोल ना दिखाकर अपोजिट दिखाए जाएँ तो उसको नॉन ट्रेडिशनल रोल्स हम बोल देते हैं. तो ये किस चीज़ मतलब स्ट्रेटेजी जो है किस तरह से इफेक्टिव है तो वो देख रहे हैं. प्रमोट जेंडर कॉन्स्टेंसी, तो नहीं ये नहीं होगा, जेंडर कॉन्स्टेंसी को प्रमोट तो नहीं कर रहा है बिल्कुल भी. कंस्ट्रक्ट स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स, तो एनकरेज तो नहीं कर रहा है ये, डिस्करेज ही कर रहा है, क्योंकि स्टीरियोटाइप तो वो होता है अगर वो प्रॉपर उनके ट्रेडिशनल रोल्स में ही उनको दिखाता. तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे
सही हो जाएगा, काउंटर कर रहे हैं, ठीक है, उनको काउंटर कर रहे हैं, जो जेंडर स्टीरियोटाइप बने हुए हैं उनको काउंटर कर रहा है इस तरह की क्लिपिंग्स दिखाकर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोलबर्ग। डिस्क्रिप्शन ठीक है, नीचे एक सिचुएशन दी हुई है और वो बताया है कि कोलबर्ग की कौन सी जो है मॉरल रीजनिंग की स्टेज में आएगा वो, तो देखते हैं। राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्साइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। तो वो बिल्कुल स्टेज जो है थर्ड मतलब लास्ट में पहुंच जाता है, जब उसको मतलब ये उसको कोई मतलब नहीं होता कि लॉ क्या कह रहा है, सोशल एग्रीमेंट क्या कह रहा है, तो ये फाइनल स्टेज होती है जो कि है द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, एज पर हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर ने थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, तो हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक बी ऑर्गेनाइज। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक दे रखी है तो उसको किस में हम डालेंगे, एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स टेम्परामेंट्स एंड मोटिवेशंस एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स। जी हाँ, अदर्स की बात की जा रही है, जब हम इंट्रापर्सनल की बात करेंगे तो वो अपने ही अंदर के व्यवहार की बात कर रहा होता है, इंटरपर्सनल में आएगा जब वो दूसरों के मतलब मोटिवेशन मतलब उनके इंटेंशंस उनको भी देख पा रहा है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीजन फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का असेसमेंट उनका जो मूल्यांकन है उसको करने के लिए क्या रीजन होना चाहिए एक टीचर का, तो पहला है कि टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन इनटू नॉन अचीवर लो अचीवर। तो ये तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है कि हमें बच्चों को नेमिंग नहीं करनी चाहिए कि ये बिल्कुल नालायक बच्चा है, ये लो अचीवर है और ये एवरेज है, ये बड़ा इंटेलिजेंट है, तो इस तरह की नेमिंग हमें नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। सेकेंड देखते हैं, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, ठीक है, ये हो सकता है कि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूव कराना चाह रहे हैं। टू फाइंड आउट वट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हाँ, ये देख सकते हैं हम कि बच्चे में क्या प्रोग्रेस हुई, क्या चेंजेस उसके अंदर आए, तो ये भी हो सकता है। थर्ड है टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज पोटेंशियल स्ट्रेंथ एंड चैलेंजिंग एरियाज ऑफ द चाइल्ड विद द पेरेंट्स, ठीक है, तो ये भी हाँ पीटीएम में हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहा है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन बी में है ये सेकंड थर्ड फोर्थ। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड सोशलाइजेशन। एक बच्चे के सोशलाइजेशन में क्या चीज़ जो है रोल प्ले करती है, मीडिया, स्कूल, फैमिली, नेबरहुड, तो बच्चे के आसपास या बच्चे जिस भी चीज़ से इंटरेक्ट कर पाता है या जो उसके एनवायरनमेंट में चीज़ें होती हैं उन सब से कुछ ना कुछ सीखता है, वो उनसे सोशलाइज होता है, तो इसके चारों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आई होप कि आपने ये पूरी वीडियो देखी हो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।